अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है तब मैं चलता हूँ। अरे मोबाइल चोरी करेगा, मोबाइल चोरी करेगा तू, मोबाइल चोरी करेगा, मोबाइल चोरी करेगा, मोबाइल चोरी करेगा। अरे साले आज तो तू बचेगा नहीं, मोबाइल चोरी करता है मेरा। साले ने बहुत मारा, क्या आई है बे? झाड़ू जंगल में कौन फेंक के चला गया ये झाड़ू को? अबे मेरा मोबाइल चुरा लिया फिर तू? छोड़ूंगा नहीं इस बार तुझे। हट बे, अगली बार तो पकड़ लिया था, बहुत मारा था, इस बार पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? झाड़ू में बैठ के उड़ जाऊंगा। अबे पागल तो नहीं हो गया, क्या कह रहा है तू? अभी दिखाता हूँ। दिखा झाड़ू, 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 एक मिनट। लडला। अबे कौन है तू? मैं आसिफ, याद है एक साथ स्कूल में पढ़ रहे थे। अबे हाँ आसिफ, तू बहुत ही स्कूल में डायलॉग मार रहा था, घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा। आज क्या हो गया तुझे यार, भीख मांग रहा है? मुझे देख, मुझे, मैं महीने का 7,000 कमाता हूँ। अबे भाई साहब एक उंगली और बढ़ा। हाँ 7,700 रुपये महीने कमाता हूँ, तेरे पास है क्या? तू तो भीख मांगता है भिखारी। ये गाड़ी है ना? हाँ दिख रहा है, मेरी है। तेरी? हाँ भाई कोई भी खरीद सकता है गाड़ी, इसके अलावा तो तेरे पास कुछ और है? भिखारी कहीं क्या? वो कार देख रहा है? हाँ मेरी है। हाँ भाई कार भी कोई खरीद सकता है, इसके अलावा और तेरे पास कुछ है बताओ तो पहले? भिखारी कहीं क्या? घर देख रहा है वो? हाँ मेरा है। तेरा? अरे भाई ये बताओ कितने कमा लेते हो? 10,000 महीने का। अबे दिन का? दिन का। अबे तू क्या कर रहा है? अबे मैं भीख मार यार, मुझे भी रख ले यार। चल ये मेरा जगह, चल ले, हट अपना जगह, मुझे भी कमाने दे भाई। एक आइडिया है मेरे पास, बताओ। मैं खड़ा हो जाता हूँ। हाँ ओ पकड़ा रहा, पकड़ा रहा। अरे भाई साहब क्या भिखारी को 5 का नोट दे रहे हो? मेरा ऐसा बनो ना, देखो मैं 20 का नोट दे रहा हूँ। क्या ये फकीर आदमी है यार।
ये देख सोका लेना। ले यार तू सोका नहीं रहा, मैं अपना मोबाइल दे रहा हूँ। ले भाई अब क्या दे सकता है तू? ये लो पढ़ दे राम। अब क्या देगा तू? एक मिनट रुको भाई साहब। क्या कर लेगा एक मिनट में तू? ये लो भाई साहब ये साइकिल आज से आपकी। अब बता तू क्या दे सकता है? लो भैया आज से गाड़ी आपकी। अब बोल गाड़ी कहीं का, मुझसे मत उलझियो। ये पांच का नोट पकड़ और अपना साइकिल उठा और निकल इधर से। अरे लड़ा भाई गलत बात है यार, ये मेरा आधा हिस्सा मुझे आधा हिस्सा। क्या गलत है? मेहनत करूं मैं और अंडा खाए तू? साले मांगू मैं और आधा हिस्सा मांगा तू? निकल यहाँ से अपना साइकिल उठा। निकल मैं नहीं जाऊंगा, मेरा आधा हिस्सा। बिल्कुल नहीं। अरे अरे बिल्कुल नहीं भिखारी। अरे क्रिश भाई, अरे क्रिश भाई ये देखो भिखारी का पैसा छीन रहा है। अरे भाई साहब देख लो कितना जास्ती कर रहा है। ये भिखारी का पैसा छीन रहा है, दिन भर मेहनत करके मैं मांग रहा हूँ, ये छीन रहा है हफ्ता का असूल रहा है। अरे क्रिश क्यों बे, भिखारी को क्यों परेशान कर रहा? क्रिश ये मेरा आधा हिसाब। भिखारी का पैसा छीनता है? अरे शुक्रिया क्रिश भाई, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया की बत्ती बना के अपना पिछवाड़ा में डाल ले, जितना कमाया उसमें से आधा मुझे दे। अरे क्रिश ये गलत है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। हाँ पता है कितना मेहनत किया है तुझे, बेचारे को ठग के लिया है तुम लोगों ने। अरे क्रिश ये गलत है। अरे इस आधे में से आपको आधा देने वाला था। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ इसका आधा लेना गलत है, पूरा ले साले का। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे जादू ये गलत है। क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूँ ये गलत है। अरे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही? अरे ये गलत है, निकाल। अरे अरे क्रिश भाई ये मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई है मेरी। चलो बड़ा मेहनत का कमाई तुम्हारा। अबे क्या हो गया? हट बे, क्या हो गया? तेरा साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा सारा खानदान वाला ना जेल पर है, आज तू भी जाएगा। अबे तू मेरे खानदान के बारे में जानता क्या? अबे चुप चुप, तुम्हारा सारा खानदान वालों है ना चोर है, चोर चोर लुच्चा है, क्रांतिकारी है मेरे खानदान। तुझे क्या पता बे, तू जानता है मेरे खानदान के बारे में? बे तेरा तो पूरा खानदान तो चोर था, वो तो जेल पर है। अबे तेरा खानदान चोर है, मेरा खानदान क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी तो किस लिए जेल गया हो? अबे इसके पीछे कहानी है, सुनाओ। क्या सुनाओ ना। पता है आज से 5 साल पहले सरकार ने अनाउंस किया कि हर इंसान को पेड़ और पौधे लगाने चाहिए। मेरा दादा क्रांतिकारी देशभक्ति इंसान, उसने भाई 2 दिन के अंदर 2 बीघे पेड़ पौधे लगा दिए। फिर भाई तीसरा दिन पुलिस वाला आया, उसको जेल ले गया। भाई साहब पेड़ पौधे लगाना तो अच्छी बात है, फिर जेल क्यों गया? गांजा का पेड़ लगा दिया था ना। अरे लटला भाई दादा के बारे में छोड़ो, ताऊ के बारे में बताओ, वो भी तो जेल गया ना। अरे मेरा ताऊ तो मेरा दादा से ही बड़ा क्रांतिकारी था। पता है सरकार ने 3 साल पहले अनाउंस किया कि बच्चे 2 ही अच्छे, और वो तो सरकार की बात टाल नहीं सकता भाई। सरकार की उसने बात मान ली प्रॉपर, 2 महीने के बाद उसको भी जेल हो गया। क्यों? उस वक्त उसका 3 बच्चा हो गया था ना, एक को मारना पड़ा। अरे लाडला भाई ताऊ के बारे में छोड़ो, चाचा के बारे में बताओ, वो भी तो जेल गया था ना। अबे मेरा चाचा ताऊ से ही बड़ा क्रांतिकारी। बताए 2 साल पहले नीतीश कुमार बिहार पे अनाउंस किया क्या? हाँ। कि भाई शराब बंद होनी चाहिए, एक भी शराब बिहार पे नजर नहीं आया। मेरा चाचा क्रांतिकारी, उसको जज्बा आ गया और उसने 6 महीने के अंदर आधी शराब खत्म कर दी। फिर भाई 7वां महीना उसको भी जेल हो गया। अरे लाडला भाई शराब खत्म करना तो अच्छी बात है, पर वो जेल क्यों गया था? अरे भाई साहब शराब खत्म करना अच्छी बात है, पर खुद पी पी के खत्म करना ये गलत बात है ना। अरे लाडला भाई चाचा के बारे में छोड़ो, अपने बाप के बारे में बताओ, वो तो गया था जेल। अरे वो तो उससे ही बड़ा क्रांतिकारी था। अच्छा? पता है पिछले साल वो रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पे एक लोहा का बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। वो देखने लगा भाई साहब कौन ऐसे लावारिस छोड़ के गया, इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। उतने में एक सरकारी आदमी आया, कहने लगा भाई ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको देख रेख करना सबका काम है। तो भाई साहब मेरा बाप ठहरा क्रांतिकारी। अच्छा। वो उसी वक्त सामान को उठाया और घर ले गया, वहाँ पे घर पे साफ सफाई करने लगा। 2 दिन बाद पुलिस आया, उठा के जेल ले गया, अब जेल पे साफ सफाई कर रहा है। अरे लाडला भाई इसलिए मैं कहता हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता, इज्जत बहुत जरूरी होता है। अबे पैसा ही सब चीज होता है। अरे मैं तेरे को बताता हूँ, चल बैठ वहाँ पर। लाडला भाई मैं तुझे एक अच्छी बात बताता हूँ। बता। सुन। सुना? हाथी का खंडाला। यही सुनाएगा? अरे मैं बता रहा हूँ ना। बता। पैसे से ना तू बहुत बड़ा बंगला खरीद सकता है, पर सुकून का नींद खरीद नहीं सकता। यार बात तो सही है। दूसरी बात सुन। सुना? पैसे से ना तू रोटी खरीद सकता है, पर भूख खरीद नहीं सकता। हाँ यार बात तो तू सही कर रहा है यार। और तीसरी बात सुन। सुना? तू पैसे से ना बहुत अच्छी सी अच्छी खूबसूरत लड़की तू पटा सकता है, पर उसे सच्चा प्यार नहीं खरीद सकता। ए भाई एकदम बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई। तुम बता मेरे बातों से तुम्हें क्या सीख मिला? यार तेरी बातों से मुझे ये सीख मिली कि भाई दुनिया में पैसे की कोई कीमत नहीं है। सही कह रहा है तू। एक बात बता तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे है? कहाँ है यार, 2-2.5 लाख रुपए है। एक काम कर तू मेरे फोन पे
ट्रांसफर कर दे। मैं अपना पैसा तुझे क्यों दे दूं? मैं पैसे की कोई कीमत नहीं है ना, मुझे दे दे। अरे भाई साहब गलत फहमी है तुझे, मैं पैसे से भूख सुख हर चीज लोंडिया भोंडिया सच्चा प्यार हर चीज खरीद सकता हूँ। बिल्कुल भाई मैं पैसे से हर चीज खरीद सकता हूँ, सुख चैन दुख नींद लोंडिया हर चीज खरीद सकता हूँ। तू मेरी बात को समझा नहीं, फिर से मैं तुझे समझा रहा हूँ। मुझे नहीं समझना, घंटा समझा रहा है तू। ओए तुम दोनों अपना मोबाइल दे दो। कौन है ये? क्यों मोबाइल दूं तुझे? अबे झाड़ू लगाने आया ना, सीधा झाड़ू लगा निकल यहाँ से। ओए मुझे नहीं जानता, मैं जरा से हिला दिया ना तो तुम दोनों बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा। आसिफ भाई देखियो भाई साहब कितना बदतमीज आदमी है, खुले मैदान में हिलाने की बात कर रहा है। भाई साहब अगर हिलाना है ना तो कहीं बाथरूम में जाके हिलाओ। अरे अरे मैं वो हिलाने की बात नहीं कर रहा था, मैं तो झाड़ू हिलाने की बात कर रहा था। अरे भाई साहब पता है मुझे झाड़ू का पावर, आज केजरीवाल झाड़ू चला चला के दिल्ली और पंजाब में जीत गया, तू मुझे सिखाएगा झाड़ू का पावर? लगता है अभी तुम दोनों को झाड़ू का पावर पता नहीं है, अभी पावर दिखाना पड़ेगा। झाड़ू मार। रुक 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 रुक, साले झाड़ू होके घरवाली जैसी हरकत करता है, कहता हूँ एक तो करता है उल्टा, लगता है मुझे ही मारना पड़ेगा। अब देखा झाड़ू का पावर, अपना मोबाइल दे दे। अरे क्रिस क्रिस बचा ले, मेरा दोस्त को मार दिया ये झाड़ू में। झाड़ू में? पर झाड़ू सफाई करने वाला लोगों को साफ कर रहा। चचा झाड़ू वापस कर दे और यहां से चला जा। झाड़ू मार। अरे बदतमीज लाठी, पिछवाड़ा तोड़ेगा मेरा। अरे क्रिस तो मुझसे ज्यादा ताकतवर निकल गया, बच के रहूंगा तो और कहीं मोबाइल चोरी कर लूंगा। अरे वो कचरे जैसे शकल वाले भाई साहब, यहाँ एक झाड़ू मैन गया, देखे हो क्या? हाँ 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 हाँ, गोरा सा चिट्टा सा स्मार्ट सा था। अरे नहीं वो तो हैंडसम नहीं था, कतई कलवा था। ओ हाँ हाँ, कोट जो पहनावा था। हाँ, हाँ, हाँ। उसके हाथ में लंबा डंडा वाला झाड़ू था। हाँ वही 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 वही। नहीं नहीं भाई साहब मैंने नहीं देखा, मैं तो गरीब आदमी हूँ यार, मैं तो झाड़ू लगा के गुजारा करता हूँ। कोई बात नहीं झाड़ू लगा। एक सेकेंड, झाड़ू गाड़ेगा उसका रंग तो एक ही है। अबे रुक, तू ही है झाड़ू मैन, तू मुझे चूतिया समझ रहा है? अरे नहीं क्रिस बाबू, तुझे चूतिया नहीं बना रहा हूँ, तू पहले से ही चूतिया हो। आजा।